हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एक बार हमें क्लियर कर दीजिए कि मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को और स्क्रीन भी विजिबल है। और दूसरा, अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकन्स को जरूर प्रेस करिए, तभी नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। ठीक है, आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ डाउनलोड करिए हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से, ICNT कॉलेज, क्योंकि इस पे हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे और जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड लाइव ट्रेनिंग लेते रहते हैं, आपको अपडेट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। हमारा क्लास और जिसमें हम लोग क्या डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, हम लोगों ने डिस्कस किया था वर्क ग्रुप और डोमेन में अंतर क्या होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्क ग्रुप एंड डोमेन? तो वर्क ग्रुप क्या होता है, एक स्मॉल नेटवर्क के लिए होता है, छोटे ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज या पर्सनल यूज के लिए हम लोग यूज करते हैं। जहां पर यहाँ पे हमारे पास कोई सेंट्रलाइज सर्वर नहीं होता, कोई सिक्योरिटी बाउंड्री नहीं होती इस तरह के नेटवर्क में, जहाँ पे जितने कंप्यूटर कनेक्टेड हैं सभी का अपना यूजर खुद का पासवर्ड रहेगा। तो ये आपस में रिसोर्सेस को शेयर कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे एग्जांपल मैंने बताया, एक प्रिंटर है, प्रिंटर में प्रिंटर को शेयर करेंगे इस कंप्यूटर से तो कोई भी यहाँ से प्रिंट कर सकता है, PC1, PC2, PC3, राइट? तो इसको हम वर्क ग्रुप, इसका अगर कोई पूछता तो कहेंगे वर्क ग्रुप लॉजिकली ग्रुपिंग ऑल कंप्यूटर्स इन डिसेंट्रलाइज नेटवर्क इज कॉल्ड वर्क ग्रुप। और डोमेन के केस में यहाँ पे एक सेंट्रलाइज सर्वर है जहां से हम पूरी अपने डोमेन एनवायरनमेंट की कंट्रोलिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के नेटवर्क में हमारे एक सर्वर होता है, बाकी सभी क्लाइंट होते हैं और ये सभी क्लाइंट मशीन सर्वर में ज्वाइन होते हैं डोमेन में। ठीक है, डोमेन में ज्वाइन होते हैं तो यहाँ पे हम यूजर बनाते हैं, उस यूजर के द्वारा हम सभी कंप्यूटर की कंट्रोलिंग कर सकते हैं और सर्विसेस को हम डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इसलिए ये टोटली डिपेंड है सर्वर क्लाइंट मॉडल पे, जहाँ पे एक सर्वर है, बाकी सभी क्लाइंट हैं, सर्वर के द्वारा सर्विसेस डिलीवर किया जाएगा और कंट्रोलिंग भी की जाएगी, राइट? तो इस तरह के नेटवर्क को वर्क ग्रुप ने डोमेन नेटवर्क या क्लाइंट सर्वर नेटवर्क हम बोलते हैं। तो लॉजिकली ग्रुपिंग ऑल कंप्यूटर्स इन सेंट्रलाइज नेटवर्क, देयर इज अ सिक्योरिटी बाउंड्री, राइट? तो इट्स कॉल्ड डोमेन नेटवर्क। तो यहाँ पे प्रिंटर है जैसा एग्जांपल, अगर वर्क ग्रुप से देखोगे आप तो यहाँ पे प्रिंटर क्या है, ये नेटवर्क प्रिंटर है और प्रिंटर भी ट्रीट करेगा एक क्लाइंट यूजर जैसे, राइट? तो अगर PC1 से अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं देन डिपेंड करता है कि यूजर को सर्वर ने परमिशन दे रखा है या नहीं। PC1 से कोई लेना देना नहीं रहेगा, हमें User1 को परमिशन देना या User2 को परमिशन देना प्रिंट का। अगर वो परमिशन देंगे तो वो पर्टिकुलर यूजर जहां भी लॉग इन होगा जिस कंप्यूटर में, उससे वो प्रिंट कर लेगा, उस कंप्यूटर में ऑटोमेटिक वो ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा और वो प्रिंट कर लेगा, राइट? तो इसको हम डोमेन एंड वर्क ग्रुप नेटवर्क बोलते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो हमें जानना चाहिए, हमें वर्क ग्रुप, डोमेन, होस्ट, क्लाइंट, सर्वर्स, लोकल सर्वर, एक्टिव डायरेक्टरी, डोमेन कंट्रोलर ट्री, फॉरेस्ट, ये सभी हमें जाना चाहिए। टाइप्स ऑफ डोमेन कंट्रोलर की हमने बात किया। डोमेन कंट्रोलर क्या होता है, जब हम किसी सर्वर में एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज को इंस्टॉल करते हैं तो उस सर्वर को हम क्या बोलते हैं, डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं उस मशीन को, राइट? ये चार प्रकार के डोमेन कंट्रोलर हमारे होते हैं, रूट डीसी, ADC, CDC एंड RODC। मैं जल्दी जल्दी पढ़ते जा रहा हूँ इसलिए, क्योंकि ये कल हम लोग क्लास कर चुके हैं, इसलिए मैं एक रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन में दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया जो चारों डोमेन कंट्रोलर को अलग अलग तरह से हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है। तो एक्टिव डायरेक्टरी एक सेंट्रलाइज डेटाबेस होती है जो यूजर, ग्रुप एंड कंप्यूटर्स को कंट्रोल करती है, मैनेज करती है, राइट? जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे एक सेंट्रलाइज डेटाबेस होती है, क्रिएट होती है। उस सेंट्रलाइज डेटाबेस का लोकेशन यहाँ पे है, सी ड्राइव, विंडोज, NTDS, ये लोकेशन है यहाँ पे। इस लोकेशन को आप चाहो तो चेंज कर लो, बट बाय डिफॉल्ट यही लोकेशन रहेगा। ये सिनेरियो मैंने दिया यहाँ पे। NTDS का पूरा नाम होता है न्यू टेक्नोलॉजी डायरेक्टरी सर्विसेज। जब ये एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने जा रहे हो आप, तो उससे पहले आपको देखना होगा कि प्री रिक्वायरमेंट क्या है एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने के लिए। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होना है। विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही हम एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लाइंट लाइक Windows 10, Windows 11 के ऊपर हम एक्टिव डायरेक्टरी नहीं इंस्टॉल कर सकते। उसके बाद स्टैटिक IP आपको डालना रहेगा। DHCP से IP अगर मिल रहा है आपके सर्वर को तो उसमें आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल नहीं कर सकते, आपको स्टैटिक IP असाइन करना रहेगा।
उसके बाद एनटीएफएस पार्टीशन होना चाहिए, जो भी हमारी हार्ड डिस्क है ना उसमें जो पार्टीशन बना रखे हैं एनटीएफएस फॉर्मेट होना चाहिए। तो ये सारे हैं, हमें जब एक्टिविटी इंस्टॉल करते हैं दो स्टेप फॉलो करना होता है। एक तो पहले एक्टिविटी को इंस्टॉल करना होता है, देन हमें उसे प्रमोट करता है करना होता है डोमेन कंट्रोलर में। तो स्टेप नंबर वन इंस्टॉलेशन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी, स्टेप नंबर टू प्रमोशन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी टू डोमेन कंट्रोलर। जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो उस समय हमें एक रजिस्टर्ड डोमेन हमारे पास होना, जैसे मेरे पास ishaninfo.com है इस केस में, राइट। तो ये हो गया। और जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहेगा, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा। उस डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर को या तो आप ऐसे लॉग इन करोगे, ये लोकल यूजर एंड ग्रुप ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। तो ये पूरा सिनेरियो हमने लास्ट कल देखा था, आज हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक पीपीटी के माध्यम से दिखा देता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के बारे में। और ये जो हमारा सिनेरियो होना है यहाँ मैंने बना रखा है, ये देख लो एक नजर। यहाँ पे यही लैब हम करने जा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक सर्वर रहेगा और देर आर टू क्लाइंट मशीन PC1 एंड PC2, द सेम IP आई एम गोइंग टू असाइन। ये लैब हमारा होने वाला है, इसको ध्यान से आप देखना है। अगर आप स्क्रीनशॉट आप उस मोबाइल से नहीं ले सकते, दूसरा मोबाइल है तो उसको स्क्रीनशॉट ले लो, या तो आप नोट डाउन कर लेना इसको। हम IP 10.0.0.1 और DNS का IP 10.0.0.1 देने जा रहे हैं। यहाँ PC1 में जो क्लाइंट PC हमारा होने वाला है, यहाँ पे 10.0.0.2। ये सर्वर मैंने विंडोज सर्वर 2019 ले रखा है आपके लिए, अभी मैंने लैब ये डिजाइन किया है। दिस इज आवर लैब वन विच आई एम गोइंग टू शो यू। तो ये हमारा सिनेरियो एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू शो यू लाइक दिस। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डोमेन हम learning.com देंगे, या तो आप या तो मैं ishaninfo.com देखते हैं, कोई एक हम डोमेन यहाँ पे देंगे, ठीक है, कोई भी हम दे सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। बट रियल टाइम ऑर्गेनाइजेशन अगर आप कंपनी में देख रहे हैं तो वहां पे उनका खुद का डोमेन रहेगा, रजिस्टर्ड डोमेन रहेगा, वही देना रहेगा। लाइक IBM.com, Google.com, HP.com, Dell.com है ना, वैसे ही डोमेन, जैसे हमारा डोमेन है ishaninfo.com। तो हम लोग देखेंगे चाहे learning.com दे देंगे या ishaninfo.com कुछ भी दे देंगे। और यहाँ पे हम इस जब ये एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हो जाएगा तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे यूजर बनाएंगे, चार यूजर बनाएंगे और इस यूजर को हम लॉगिन करके आपको दिखाएंगे दोनों PC में अलग अलग। तो आज का हमारा ये पूरा इंटरेस्टिंग लैब होने वाला है, ध्यान से आपको देखना है। और जिसके पास लैब की फैसिलिटी होगी वो लैब करेगा, नहीं अगर है तो प्रॉब्लम नहीं, आप पेन कॉपी लेके इसको ड्रॉ करो, बनाओ और इसको समझने की कोशिश करो। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सब समझ में आएगा। मैं एक बात बता दूं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा बिना कंप्यूटर पे प्रैक्टिस किए लेक्चर सुन सुन के वो बड़े से बड़े इंटरव्यू क्रैक कर जाते हैं, बट लेक्चर सुन के आपको उसको हैंड्स ऑन नोटबुक पेन पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, अगर आपके पास कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं है। और एक बार आप कंपनी के अंदर इंटर हो गए, अगर जॉब मिल गई भी, आपके पास दुनिया भर के कंप्यूटर रहेंगे, आप कहीं पे भी साइड में प्रैक्टिस कर सकते हो अपने लैब को सभी। लेकिन प्रॉपर आप क्लास को अगर आप कॉपी पे ड्रॉ करोगे और मैं जैसे फॉलो कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप अगर नोट डाउन करेंगे तो आप इस लैब को कभी भी जीवन में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अगर ये विंडोज सर्वर 2019 2020 के बाद अगर दूसरा भी कोई सर्वर आता है उसको भी आप कर पाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो बस आपको स्टेप फॉलो करना रहेगा। फिर से मैं यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना चाहता हूँ आपको, क्या करने जा रहे हैं हम लोग, इंस्टॉलिंग एक्टिव डायरेक्टरी, प्रमोटिंग AD2DC, देन डोमेन नेम हम देंगे, देन यहाँ पे GC ग्लोबल कैटलॉग रहेगा, वो जब हम इंस्टॉल कर रहे होंगे तो उस समय ये सारे ऑप्शन आएंगे। DNS रहेगा, एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस रहेगा जो मैंने लोकेशन दिखाया आपको, फंक्शनल लेवल मिलेगा, DSRM डायरेक्टरी सर्विसेस रिकवरी मोड ये मिलेगा। अब ये जब हम आएंगे वहां पे तब उसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे आपसे। और ये टर्मिनोलॉजी है जो हमेशा आपको सुनने को मिलेगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में ऑलरेडी, राइट। तो हम डायरेक्ट अब आपको लैब की ओर ले चलेंगे। लैब से पहले मैं एक PPT आपको मैं दिखाना चाहता हूँ अपना, ये देख लो एक्टिव डायरेक्टरी, ये सिनेरियो है यहाँ पे 10.0, और ये यहाँ पे हमने IP वो मैं अपने उस पे ले रखा हूँ ADDNS, राइट। एक्टिव डायरेक्टरी होता क्या है,
एक्टिव डायरेक्टरी इज अ डेटाबेस एंड सेट्स ऑफ सर्विसेज दैट कनेक्ट यूजर्स विद द नेटवर्क रिसोर्सेज दे नीड टू गेट दियर वर्क डन राइट. द डेटाबेस और डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मतलब डेटाबेस ही हो गया, कॉन्टेंट क्रिटिकल इंफॉर्मेशन अबाउट योर एनवायरमेंट, जो भी हमारे एनवायरमेंट में जो भी सर्वर क्लाइंट के अंदर है वो सारी इंफॉर्मेशन एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ही रहने वाला है. ठीक है, इंक्लूडिंग व्हाट यूजर्स एंड कंप्यूटर्स राइट देयर आर एंड हु अलाउड टू डू, मतलब किसके किस एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा क्या अलाउ किया गया है. एग्जाम्पल द डेटाबेस माइट लिस्ट 100 यूजर्स राइट अकाउंट्स विद डिटेल लाइक ईच पर्सन जॉब लाइक फोन नंबर पासवर्ड, ये सारा डिटेल आप, ये सारा डिटेल जो भी डिटेल आप जब अकाउंट क्रिएट करते हो, जो भी डिटेल आपने एक यूजर बनाते समय या यूजर को दे रखे वो सारा डिटेल सब कुछ एक्टिव डायरेक्टरी इस डेटाबेस में स्टोर होती है. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होने हैं. इनफैक्ट अगर जो यूजर हम क्रिएट करते हैं जिस कंप्यूटर में लॉग इन होगा वो उस कंप्यूटर की भी इंफॉर्मेशन एक्टिव डायरेक्टरी के पास में होगी. द सर्विसेज कंट्रोल मच ऑफ एक्टिविटी दैट गोज ऑन इन योर आईटी एनवायरमेंट, इन पर्टिकुलर दे मेक श्योर ईच पर्सन इज हु दे राइट क्लेम, ये सभी सारी चीजें ऑथेंटिकेशन क्लेम टू बी ऑथेंटिकेशन मतलब क्या होता है, ऑथेंटिकेशन यूजली बाई चेकिंग द यूजर आईडी एंड पासवर्ड. ऑथेंटिकेशन मतलब जब आप कोई यूजर लॉग इन करने जा रहे हो तो वो ऑथेंटिकेट करता है, वहां पे एक प्रोटोकॉल काम करता है कर्बरोस प्रोटोकॉल, वो ऑथेंटिकेट करता है राइट किसको, सर्वर को, और उससे मांगेगा यूजर आईडी एंड पासवर्ड. ठीक है, तो उसको हम ऑथेंटिकेशन बोलते हैं. तो ये नोट्स मैं आपको शेयर करने वाले हैं, इसको आपको पढ़ जाएंगे, इसको आप अच्छे से व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी एंड हाउ डज इट वर्क इसके बारे में पूरा पढ़ जाना है. मैंने सारा बता दिया आपको ऑलरेडी. एक्टिव डायरेक्टरी इज अ माइक्रोसॉफ्ट प्रोप्राइटरी डायरेक्टरी सर्विस, इट रन्स ऑन विंडोज सर्वर, इनेबल एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज परमिशन एंड एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेस राइट. एडमिनिस्ट्रेटर सारे रिसोर्सेस को इसके द्वारा ही मैनेज करेगा, मतलब एक बैकबोन है, ये सेंट्रलाइज है, इसके बिना कोई भी हम परमिशन, कोई भी पॉलिसी, ग्रुप पॉलिसी या कुछ भी नहीं कर सकते एक्टिव डायरेक्टरी के बिना. मतलब नेक्स्ट लेवल की जो भी सर्विसेस हमें करने हैं सर्वर में, सब कुछ एक्टिव डायरेक्टरी के बिहाफ पे ही होना है. ठीक है, तो ये ध्यान देना आपको. एक्टिव डायरेक्टरी स्टोर डेटा एज ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट इज अ सिंगल एलिमेंट सच एज यूजर, ग्रुप, एप्लीकेशन और डिवाइस सच एज प्रिंटर, कंप्यूटर, है ना, ये सभी डिवाइसेस को भी रखेगा ये. अगर प्रिंटर आपने किया है, कंप्यूटर जो ज्वाइन कर रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन रखेगा. और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट के नाम से. ऑब्जेक्ट आर नॉर्मली डिफाइन एज दियर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर और कंप्यूटर्स, ये सभी पढ़ जाएंगे आप लोग, हम इसको शेयर कर देंगे आपको. ठीक है, तो चलो हम लैब की तरफ चलते हैं. ये फिर से हम एक बार दिखा देते हैं, यही लैब एग्जैक्टली हम करने वाले हैं, देन हम एक्टिव डायरेक्टरी को फिर से डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे अगेन. जो हम अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो हमने बना रखा है उसको फिर से मैं आपको एक बार एक्सप्लोर करूंगा, पहले तो हम ये लैब करके आपको दिखाते हैं. ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपना लैब. आपके लिए मैंने थ्री कंप्यूटर बनाया वीएमवेयर वर्क स्टेशन के अंदर, और एक है सर्वर 2019 1 सर्वर एंड पीसी 1 दैट इज क्लाइंट पीसी एंड पीसी 2 दैट इज क्लाइंट पीसी 2. तो तीन मशीन मैं यहाँ पे स्विच ऑन कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू आवर लैब. अगर फिर से देखो, यहाँ एक सर्वर जो 2019 है और दो क्लाइंट पीसी. तो ये रहा हमारा विंडो सर्वर 2019 राइट, और यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल करने जा रहे हैं एक्टिव डायरेक्टरी. एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने के लिए प्री रिक्वायरमेंट है कि ये सर्वर जो है ये विंडो सर्वर होना चाहिए, तो एग्जैक्टली विंडो सर्वर है.
और उसके बाद विंडोज सर्वर की पहचान होती है, देखो ये डैशबोर्ड है, यहाँ पे सर्वर मैनेजर होता है, ठीक है, ये सर्वर मैनेजर का डैशबोर्ड होता है। ये डैशबोर्ड आप चाहो तो यहाँ से हटा दो, देखो यहाँ से, अगर आप एकदम बिगनर हो, सर्वर नहीं आपने चलाया है, तो देखो यहाँ से डैश पैश इसको क्लोज कर दो। फिर से डैशबोर्ड अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे स्टार्ट में जाओ, यहाँ सर्वर मैनेजर आएगा, इस पे क्लिक करो, ये सर्वर मैनेजर का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, कुछ चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देखो, जो कि आफ्टर इंस्टॉलिंग एक्टिव डायरेक्टरी इज गोइंग टू बी चेंज, राइट। सबसे पहले मैं आपको शो करूं, देखो लेट मी चेक आईपी एड्रेस, आई हैव असाइन और नॉट, आई थिंक आई हैव असाइन, ncpa.cpl ये कमांड है, इस कमांड के द्वारा हम लोग आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे यस इट इज असाइन 10.0.0.1 अकॉर्डिंग टू आवर लैब, राइट। डीएनएस भी मैंने दे रखा है यहाँ पे, आईपी एड्रेस इज ओके। देन नेक्स्ट व्हाट आई नीड टू शो यू, हाँ सर, वो DNS और IP एड्रेस सेम रहेगा क्या इसको? यहाँ पे देखिए दो दो कंडीशन हमारे पास होती है, अगर डीएनएस सर्वर एक सेपरेट नहीं है, ठीक है, एक केस में ये होगा कि हमारा डीएनएस सर्वर एक सेपरेटली वर्क कर रहा है, तो तब तो ये अलग रहेगा, ठीक है, ये नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम एक ही में कर रहे हैं, एक ही डोमेन कंट्रोलर हमारे पास है, तो एक्टिव ये आईपी है तो सर्वर का आईपी हो गया और एक डीएनएस का आईपी हो गया, डीएनएस अगर एक ही में तो एक ही आईपी रहेगा ना। नहीं तो अगर दूसरा सिनेरियो हम बता दें, अगर आपके पास दूसरी सिनेरियो क्या हो सकती है उसमें, कि नहीं हम नहीं चाहते इसमें, तो उस केस में हमारा क्या रहेगा, देखिए एक हमारा डीएनएस सर्वर सेपरेटली पड़ा हुआ है और ये हम बना रहे हैं डोमेन कंट्रोलर 1, डोमेन कंट्रोलर 2, लाइक दिस, या एक ही डोमेन कंट्रोलर मान लो, तो यहाँ पे आईपी जो भी हम दे रहे हैं डीएनएस ये सेपरेटली वर्क कर रहा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? हेलो हेलो, राइट, अब डिस्कनेक्ट हो गया है लग रहा है। हेलो, हेलो, हाँ सर, समझ में आ रहा है सर, कंटिन्यू कीजिए सर। समझ में आ रहा है ना? देखिए यहाँ ये अगर ये अलग कंप्यूटर है हमारे पास, अलग डीएनएस सर्वर है, तब तो ये अलग आईपी रहेगा, ठीक है। तो ये अब कहाँ पे रहेगा, जो बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, जैसे गूगल की बात करो, गूगल का मेल सर्वर है, गूगल के पास गूगल का डीएनएस सर्वर सेपरेटली, और एक नहीं बहुत सारे डीएनएस सर्वर है उसमें, ठीक है, तो वहां पे तो सेपरेट रहेगा डोमेन कंट्रोलर से। लेकिन ज्यादातर नॉर्मली जो ऑर्गेनाइजेशन में हम डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं, डीएनएस और सर्वर एक ही में रहता है, ठीक है। तो इसलिए अब हमारे केस में भी क्या है, हमारा जो डोमेन कंट्रोलर और डीएनएस एक ही में है, ठीक है, तो यही रहेगा, मतलब नॉर्मली आपको ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही मिलने वाला है, यही यही सिनेरियो होने वाला है। ओके, तो चलते हैं हम लोग। हाँ, कुछ चेंजेस मैं दिखा रहा हूँ सर्वर में, देखो यहाँ पे मैं एक कमांड के द्वारा दिखाता हूँ आपको, होस्ट नेम इसका चेंज कर लेंगे। उससे पहले मैं यहाँ दिखा दूँ, COMPMGMT.MSC, कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाना है, और यहाँ पे देखो लोकल यूजर एंड ग्रुप्स आपको मिल रहे हैं। एक बार जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे ना, उसके बाद ये ऑप्शन डिसअपीयर हो जाएगा, दिखेगा नहीं आपको, अभी लोकल एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे है, उसके बाद ये ऑप्शन नहीं दिखेगा आपको, उसका डायरेक्ट डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर, ध्यान से देखना, अभी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आएंगे तो ये ऑप्शन नहीं दिखेगा आपको। दूसरी चीजें मैं दिखा दूं आपको, जो डेटाबेस हमारी स्टोर होगी एक्टिव डायरेक्टरी की, वो कहाँ पे होगी, माई कंप्यूटर में आओ, सी ड्राइव में आओ, विंडो के अंदर यहाँ पे NTDS करके फोल्डर आ जाएगा। अभी कोई NTDS नाम का कोई फोल्डर नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी हमने अभी इंस्टॉल नहीं किया है, जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आके मैं ये भी दिखाऊंगा आपको।
डेटाबेस देखो एक्टिव डायरेक्टरी का, जहां पे सारे यूजर ग्रुप कंप्यूटर एक्टिव डायरेक्टरी रिलेटेड सारी सर्विसेज सब कुछ जहां पे स्टोर होंगे वो डेटाबेस में आपको दिखाऊंगा। तो ये हो गया, और इसके बाद मैं कुछ और दिखाना चाह रहा था क्या, कुछ नहीं। अब हम लोग इंस्टॉल करेंगे इसको। एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे देखो ये हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में यहाँ पे देखना ये नोटिफिकेशन है, ये फ्लैग जो दिख रहा है दिस इज कॉल्ड नोटिफिकेशन। ये तीन तरह के इंफॉर्मेशन आपको दिखाएगा। ये ग्रे कलर में अगर आ रहा है तो मतलब सब कुछ परफेक्टली राइट है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ आपने इंस्टॉल किया और कुछ इंस्टॉलेशन में पेंडिंग है, कुछ और करने की जरूरत है, तो यहाँ पे येलो कलर आएगा। जब भी आप कोई सर्विसेज को इंस्टॉल करोगे, आप अगर रीस्टार्ट करना बाकी है या कुछ चेंजेस करना बाकी है, तो उस समय यहाँ पे येलो फ्लैग दिखाएगा। तो आपको मतलब समझ जाना इसको देख के कि हमें कुछ और कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत है इसमें सर्वर में। तीसरा, अगर आपने कुछ गलत कर दिया या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ इस सर्वर के साथ, तो यहाँ पे रेड कलर हो जाएगा ये फ्लैग। तो यहीं से आपको दिख के मालूम हो जाएगा कि क्या कंडीशन हमारे सर्वर की। अभी ग्रे इसलिए कि हमने कोई सर्विसेस इसमें इंस्टॉल ही नहीं किया अभी तक, ठीक है। अब जब ये सर्विसेस हम इंस्टॉल करेंगे तब देखना अभी ये चेंज हो जाएगा। सर्विसेस इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास क्या होता है, रोल एंड फीचर। सबसे पहले बात ये जान लो कि विंडोज सर्वर के अंदर कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती। जो भी सर्विसेस हम डोमेन कंट्रोलर में इंस्टॉल करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, मैनेज करते हैं, वो बाय डिफॉल्ट सर्वर के अंदर रोल्स एंड फीचर्स में रहते हैं। ये सर्वर की फीचर्स है, ये सर्वर के सर्विसेस है सभी, जिसको हमें इनेबल करना रहता है, इंस्टॉल करना रहता है। अलग से किसी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है माइक्रोसॉफ्ट को। तो इस जो जितने सर्विसेस हम विंडोज सर्वर में यूज करते हैं, उसको माइक्रोसॉफ्ट ने क्या रोल एंड फीचर्स के रूप में दे रखा है। तो रोल भी जाके आपको इनेबल करना था, वो सर्विसेस पर्टिकुलर सर्विसेस इंस्टॉल हो जाती है हमारे सर्वर के ऊपर, है ना। तो उसको करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे। एक तो है ये ऐड रोल्स एंड फीचर्स में जाओगे, आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे नेक्स्ट जाओ तो यहाँ देखो दिख जाएगा रोल्स बेस, ये आ गया। दूसरा तरीका है आप यहाँ मैनेज में जाओ और यहाँ पे दिख जाएगा ऐड रोल्स एंड फीचर्स, इस पे क्लिक करो तो भी दिख जाएगा। तो सेम लाइक है। अच्छा, सर्वर मैनेजर के बारे में और कुछ मैं बता दूं। यहाँ पे देखो सर्वर मैनेजर का डैशबोर्ड है, ये तो हो गया यहाँ पे ऐड रोल्स के लिए, ठीक है। और भी कुछ यहाँ पे ऐड करना, ऐड अदर सर्विसेज के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, और ऐड इंस्टॉल और रिमूव करने के लिए ऐड रोल्स एंड फीचर्स है। फिर यहाँ पे लोकल सर्वर में जाओ तो यहाँ पे हमारे सर्वर की प्रॉपर्टीज दिखा देता है, सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सारी डिटेल आपको दिख जाती है ना। देखो इंटेल सब कुछ दिख जाएगा यहाँ से, कितना जीबी का रैम ले रखा आपने सर्वर के लिए, इस सर्वर का नाम क्या है, यहाँ देखो कंप्यूटर नेम क्या है, रूट डीसी। अगर कोई पूछता सर्वर का कंप्यूटर नेम कैसे चेंज करेंगे, हाउ टू चेंज द कंप्यूटर नेम, यहाँ रूट डीसी है। दूसरा तरीका क्या है कंप्यूटर नेम जानने के लिए, सर्वर का रन में जाओगे, CMD टाइप करोगे और ये कमांड देना होस्ट नेम, होस्ट नेम से भी सर्वर का नाम आ जाए, कंप्यूटर का नाम दिख जाएगा। किसी कंप्यूटर का कंप्यूटर नेम जानना है तो होस्ट नेम से आप देख सकते हो, या तो प्रॉपर्टी में आके आपको यहाँ दिखेगा। इफ यू वांट टू चेंज द कंप्यूटर नेम जस्ट क्लिक हियर एंड चेंज, एंड यू कैन चेंज द नेम हियर, राइट। बट आई एम नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज दिस इज रूट डीसी एंड आई एम गोइंग टू इंस्टॉल रूट डीसी इन दिस सर्वर, ओके। आईपी एड्रेस हमने यहाँ कॉन्फिगर कर रखा है, सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन यहीं पे दिख जाएगा। कहाँ पे, डैशबोर्ड में लोकल सर्वर के ऊपर, और ऑल सर्वर्स यहाँ पे दिख जाएंगे, यहाँ पे कौन कौन से सर्वर हमारे चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी फिलहाल रूट डीसी है जिसको हम लोग कॉन्फिगर करने जा रहे हैं। तो डैशबोर्ड में हम जाते हैं और लेट्स स्टार्ट मैनेज एड रोल्स एंड फीचर्स, क्लिक ऑन नेक्स्ट। एंड यहाँ पे दो आपको रोल दिख रहा है, एक तो दिख रहा है यहाँ पे, दो ऑप्शन है, एक तो रोल बेस्ड इंस्टॉलेशन है,
दूसरा रिमोट बेस्ड। तो नॉर्मली हमें हमेशा रोल बेस ही सिलेक्ट करना है, जितने हमारे सर्विसेस है विंडोज सर्वर के अंदर सभी रोल में आपको मिल जाएंगे, रोल बेस इंस्टॉलेशन में, राइट। और रिमोट नार्म कब हमें लेना रहेगा, जब हम रिमोटली कोई चीज एक्सेस कर रहे, रिमोट डेस्कटॉप, रिमोट एक्सेस, वीपीएन, ये सब की कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें करनी रहेगी उस समय हमें रिमोट बेस करना रहेगा। तो इसका भी लैब आएगा, हम लोग करके देखेंगे। फिलहाल अभी हमें हमेशा ही इसको यूज करना है रोल बेस, तो बाई डिफॉल्ट ये सिलेक्ट रहेगा, आपको कुछ चेंज नहीं करना है। जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट और यहाँ पे दिखाएगा सर्वर का नेम, आईपी एड्रेस, सारा डिटेल दिखेगा। जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट और यहाँ पे सेलेक्ट करना आपको कौन से सर्विसेज, विच सर्विसेज यू वांट टू इंस्टॉल, द पर्टिकुलर सर्विसेज यू हैव टू सेलेक्ट इट। सो आई एम गोइंग टू इंस्टॉल माय केस एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, जस्ट क्लिक हियर और इससे रिलेटेड जो भी फीचर्स है वो यहाँ से ऐड कर लो। तो ये हमारे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के फीचर भी साथ में इंस्टॉल हो जाएंगे। तो यहाँ पे पढ़ो आप, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट ऑन अ नेटवर्क एंड मेक दिस इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू यूजर्स एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ये देखिए पूरा राइट। जब आप इंस्टॉल कर रहे हो ना, जब प्रैक्टिस करना अपना लैब, तो ये पढ़ते हुए करिए, वैसे नहीं। और यहां से जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट, ये फीचर्स है, जो जो रिक्वायरमेंट रहेगी उस डायरेक्टरी सर्विसेज के लिए वो ऑटोमेटिक यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा, हमें कुछ नहीं करना है। जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड यहां से हम क्या करेंगे, इंस्टॉल कर देंगे। तो ये अभी क्या हो रही है, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेस इंस्टॉल हो रही है। जो भी सर्विसेस हम इंस्टॉल करते हैं वो टूल ऑप्शन में यहाँ दिखता है, यहाँ टूल है, टूल टैब में यहाँ आ जाएगा। अभी देखना एक्टिव डायरेक्टरी, ये देखो आ गया, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेस, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स कंप्यूटर्स, एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेस, एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेस, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर, सभी आ जाएगा यहाँ से। तो एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज हमारी इंस्टॉल हो गई है, क्लोज कर दो और ये यहाँ टूल्स में भी आ जाएगा और यहां से भी दिख जाता है, जो जो सर्विसेज आप इंस्टॉल करते जाओगे डैशबोर्ड में आपको दिखते दिखते जाएगा यहाँ पे। अभी डीएनएस होगा तो इसके नीचे डीएनएस भी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फ्लैग में देखो, फ्लैग के नीचे जस्ट येल्लो आ गया, येल्लो कलर नोटिफिकेशन, दैट मीन्स येल्लो कलर मीन्स इट शोज समथिंग यू नीड टू डू, मतलब हमने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल किया, अब हमें क्या करना है, इसको प्रमोट करना है डोमेन कंट्रोलर में, राइट। सो इसीलिए यहाँ पे येलो कलर फ्लैग दिख रहा है आपको, जस्ट क्लिक हियर एंड इट विल शो व्हाट यू नीड टू डू। तो यहाँ कह रहा है प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर, मतलब इस सर्वर को आप डोमेन कंट्रोलर में प्रमोट करना है, ठीक है। तो प्रमोट करने के जस्ट क्लिक हियर और यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन टू कॉन्फ़िगर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, सेकेंड ऑप्शन टू कॉन्फ़िगर चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर एंड थर्ड ऑप्शन टू कॉन्फ़िगर योर रूट डोमेन कंट्रोलर, एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, राइट। रूट डोमेन कंट्रोलर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट मतलब हमारे सपोज करो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा कंपनी है, उसके अंदर 50 सर्वर है और वो 50 सर्वर में जो फर्स्ट सर्वर हम कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं जिसमें एक्टिव डायरेक्टरी, वही एक्चुअली क्या होता है, फॉरेस्ट होता है, ठीक है। तो वो रूट डीसी उसको बोलते हैं, रूट डोमेन कंट्रोलर, और उसी के अंडर में सारे डोमेन कंट्रोलर हायरार्की मॉडल में डिजाइन हो जाएंगे, है ना। तो अब पहले ऑप्शन में हमें क्या, फर्स्ट टाइम हमें क्या एड अ न्यू फॉरेस्ट हम करने जा रहे हैं, सेकेंड टाइम एड अ न्यू, एड अ डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, है ना, क्योंकि ये बन चुका होगा तो इसके अंदर में एडिशनल डोमेन कंट्रोलर आप बना सकते हो, फिर चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर आप बना सकते हो, लाइक दैट, ओके। सो इन केस ऑफ आवर्स हियर नाउ वी हैव टू डू, वी हैव टू सेलेक्ट एड अ न्यू फॉरेस्ट, जस्ट गिव हियर
आवर डोमेन नेम, दैट डोमेन शुड बी रजिस्टर्ड इन केस ऑफ योर वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन, योर कंपनी इज रजिस्टर्ड मीन्स शुड हैव अ डोमेन, सो दैट पर्टिकुलर डोमेन नेम यू हैव टू असाइन हियर, राइट। अभी हमारे केस में हम तो लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो कुछ भी डाल दो यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट रियल टाइम सिनेरियो आपको वही यहाँ पे डालना है जो आपके रियल में डोमेन है, जो रजिस्टर्ड है। तो हमारे केस में अभी ishaninfo.com हमारा डोमेन है, हम वही डाल ले रहे हैं ishaninfo। ishaninfo.com वहां पे मैंने learning.com की दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है, ishaninfo.com है। एंड जस्ट क्लिक हियर नेक्स्ट। यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको फंक्शनल लेबल, ध्यान देना फंक्शनल लेबल क्या होता है, एक्टिव डायरेक्टरी फंक्शनल लेबल। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करूंगा, बाद में इसका एक पूरा एक या आधा लेक्चर हम लोग देख लेंगे कभी। फंक्शनल लेवल क्या इम्पैक्ट करेगा, ये इम्पैक्ट इस कंप्यूटर के लिए नहीं है, जो दूसरा हमारा डोमेन कंट्रोलर होगा जो अटैच करेंगे इस डोमेन से, उसके लिए होता है। अगर मान लो सपोज करो ये हमारा 2019 सर्वर अभी हम लोग कर रहे हैं, राइट, और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है 2019 ऑप्शन नहीं है, ठीक है, 2000 हमने 16 सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे हमारे पास जो आगे आने वाले सर्वर जो भी रहेंगे सभी 2016 होने चाहिए। बट सपोज करो हमारे पास जो दूसरा सर्वर है वो 2012 है, तो इसका पार्ट हम नहीं बना पाएंगे, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2012 R2 अगर हमने कर रखा है तो देन हमें दो ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ देखो 2012 R2 भी मिल जाएगा, 2016 भी मिल जाएगा। अगर हमने यहाँ पे 2012 कर रखा है तो हमें तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, 2012 R2 and 2016, एंड अगर हमने यहाँ पे 2008 R2 कर रखा है तो यहाँ पे चार ऑप्शन मिल जाएंगे 2008 R2। ये तो मतलब ये इम्पैक्ट करता है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में दूसरा सर्वर है, राइट, जो अदर एडिशनल डोमेन जो दूसरा सर्वर उसके लिए, और अगर यहाँ पे हमने 2008 तो ये पांच ऑप्शन दे देगा। तो फिलहाल अगर आप श्योर हो कि भाई नहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आपसे जो भी सर्वर रहेंगे सभी लेटेस्ट रहेंगे, 2016 से ऊपर रहेंगे, देन यू नीड नॉट टू चेंज एनीथिंग हियर। बट अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो ऑलवेज आपको क्या करना चाहिए, डाउन ग्रेड देकर रखना चाहिए, आपको हाई ग्रेड नहीं देके रखना चाहिए, डाउन ग्रेड लेके रखना चाहिए। उससे बेनिफिट क्या होगा, हमारे पास ऑप्शन रहेगा और लो ग्रेड से हाई ग्रेड कभी भी इसको रेज कर सकते हैं फंक्शनल लेवल को, बट एक बार अगर आप हायर दे रखे हैं तो उसको डाउन नहीं कर सकते, आपके पास वो ऑप्शन ब्लॉक हो जाएगा। फिलहाल ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इसलिए नहीं करता है क्योंकि सभी कंपनियां क्या होती है ना, ज्यादातर माइग्रेट ही करती हैं, है ना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साइड ही मूव करती है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम तब होगा जब आपके पास माइग्रेशन कर रहे हो और आपका दूसरा सर्वर लो है, तब वहां पे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो मैं अभी एज इट इज छोड़ दे रहा हूँ इसे, और यहाँ पे देखो डोमेन नेमिंग सिस्टम मतलब DNS इसमें इंस्टॉल करना है। अगर मान लो आपके पास सेपरेट DNS सर्वर है देन आपको यहाँ से हटा देना रहेगा इसको, बट हमारे केस में DNS भी इसी सर्वर में है तो हमें यस करना रहेगा। ग्लोबल कैटलॉग हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि इसको हम अनचेक कर लें, क्योंकि ये मास्टर ग्लोबल कैटलॉग होता है फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर में, ये तो मस्ट रहेगा, इंस्टॉल होगा ही होगा। एक्चुअली ये हमारे एनवायरमेंट में सर्च इंजन का काम करता है, जो भी हमारी क्वेरी होती है ना तो इसी के द्वारा फॉरवर्ड होती है, इसी के द्वारा सर्च किया जाता है कि सपोज ये अथॉरिटी सर्वर के पास है कि नॉन अथॉरिटी के सर्वर के पास है, किसके पास है। दो तरह की हमारी क्वेरीज होते हैं, इटरेटिव क्वेरी और राइट, इटरेटिव क्वेरी नॉन इटरेटिव क्वेरीज, राइट। तो ये जो होती है ना ये डिपेंड करता है कि ग्लोबल कैटलॉग के ऊपर, राइट। तो अगर ग्लोबल कैटलॉग इंस्टॉल है तो ये क्वेरी बहुत जल्दी रिजॉल्व करता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं कि आप हटा दो, तो ये इंस्टॉल ही होगा।
तो एक बात ध्यान देना, दो चीजें इस सर्वर के साथ रहेगा हमेशा, ग्लोबल कैटलॉग एंड स्कीमा मास्टर। अब स्कीमा मास्टर ग्लोबल कैटलॉग के बारे में और ज्यादा डिटेल में हम लोग एक क्लास पढ़ेंगे, जिसमें हम जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल मास्टर क्लास, FSMO। ओके, तो फिलहाल अभी यहाँ पे आपको चेक करके ही रखना है सभी। और ये रहा DSRM पासवर्ड जो मैंने बोला था, ये पॉइंट हमेशा याद रखना है। ये अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तो कुछ भी यहाँ पासवर्ड दे दो, नॉर्मली ये पासवर्ड देना चाहिए जो आपने लॉगिन पासवर्ड दे रखा है यूजर के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, राइट। तो हम वही पासवर्ड देंगे, आप चाहो तो दूसरा पासवर्ड यहाँ दे दो। कुछ तो गलत हुआ। यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट, जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। क्लिक ऑन नेक्स्ट। क्लिक ऑन नेक्स्ट, ये कुछ नहीं है यहाँ पे, नेट बायोस ये पुराना टेक्नोलॉजी है। ये क्या दिखाता है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, राइट। जो डोमेन हमारा था दो पार्ट में डिवाइड है, ईशान इन्फो .com, .com जो है वो सफिक्स है और ईशान इन्फो ये सफिक्स है, ठीक है, प्रीफिक्स है। तो इस पे ज्यादा आपको अटेंशन नहीं देना है, इसको छोड़ देना है। और यहाँ जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। दिस इज आवर डेटाबेस, यू कैन सी हियर, सी ड्राइव NTDS, यू कैन सी विंडो के अंदर NTDS, NTDS एंड सिसवॉन, दो फोल्डर एग्जैक्टली आपको दिखेगा, एक NTDS दिखेगा और एक सिसवॉन। ये NTDS दूसरा वाला जो है ना, ये हिडन रहेगा, ये लॉग फाइल्स स्टोर करती है। और ये बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव के अंदर आता है। इफ यू वांट टू चेंज, यू कैन चेंज द लोकेशन, आप जस्ट क्लिक हियर एंड चेंज द लोकेशन, बट इन दिस केस आई एम नॉट गोइंग टू चेंज, लेट इट बी बाय डिफॉल्ट सिस्टम ड्राइव। और क्लिक करो नेक्स्ट में, नेक्स्ट। एंड ये चेक करा प्री रिक्वेजिट, यहाँ पे प्री रिक्वायरमेंट सभी फुलफिल है तो यहाँ चेक मार्क दे देगा करेक्ट है, देन आपको दे देगा इंस्टॉल करो। अगर कुछ भी आपने प्रॉब्लम दे रखा है तो यहीं पे एरर दे देता है यहाँ पे, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाते, इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आता। तो फिलहाल हमारे केस में सब कुछ परफेक्टली है, तो यहाँ पे दे दिया टिक मार्क, ग्रीन टिक मार्क, मींस एवरीथिंग इज फाइन, नाउ यू कैन गो अहेड, जस्ट क्लिक हियर इंस्टॉल। इंस्टॉलेशन विद इन अ मिनट 2 मिनट इट विल डन। और ये इंस्टॉलेशन होने के बाद हमारा सर्वर जो है रीस्टार्ट हो जाएगा, एंड नाउ इट्स बिकम अ डोमेन कंट्रोलर। और इसके बाद लॉट ऑफ चेंजेस इज गोइंग टू हैपन इन दिस सर्वर। आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन नहीं कर पाओगे, आपके पास डेटाबेस क्रिएट हो गया होगा सी ड्राइव के अंदर सिस्टम रूट में, राइट। ये सारे चेंजेस आपको दिखेगा, ये सर्वर, दिस सर्वर नाउ बिकम मोर पावरफुल कंप्यूटर एंड आल्सो इज कॉल्ड डोमेन कंट्रोलर नाउ। अभी तक जब तक हमने इसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी को प्रमोट नहीं किया था, तब तक ये सर्वर क्या था, लोकल सर्वर था। लोकल सर्वर क्या होता है, देखो रीस्टार्ट होने जा रहा है। लोकल सर्वर क्या होता है, एक ऐसा कंप्यूटर जहां पे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, जिसके ऊपर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है, चाहे 2008, 2012, 16, 19 कोई भी, उसको हम लोकल सर्वर बोलते हैं। बट जब उस लोकल सर्वर के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेस हम इंस्टॉल कर देते हैं, तो दैट मशीन इज कॉल्ड डोमेन कंट्रोलर। ये सारे पॉइंट आपको स्लोली करके आपको याद होने हैं, सभी याद होने ही हैं। तो लेक्चर आप सुनते रहो ऐसे, और जितने लोग हैं एक बार भी नहीं आता तो डोंट वरी, जो हमारा DSC Batch 2 स्टार्ट होगा फ़रवरी में, आप उसमें फिर से रिपीट कर सकते हो सेम सभी क्लासेस को। 2012 के ऊपर करो, विंडो सर्वर 2016, विंडो सर्वर 2019, विंडो सर्वर 2022,
सेम है, कुछ भी आपको अंतर नहीं दिखेगा जो हम कर रहे हैं, एग्जैक्टली ऐसा ही करना रहेगा, किसी में करो। कुछ सर्विसेज, कुछ फीचर्स, कुछ कंपैटिबिलिटी ओनली चेंज होती हैं, और मैं बता दूं उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है नॉर्मली कंपनी के अंदर। इसीलिए आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट हमेशा चेंज करता नहीं जाने, लेकिन कंपनी के अंदर रियलिटी आप जाके देखो, अभी भी बहुत सारी कंपनी में अभी 2012 सर्वर मिलेगा, बहुत सारी कंपनी में 2016 मिलेगा आपको। ये अभी इंस्टॉलेशन हो रहे हैं, तब तक हम लोग बात कर सकते हैं। सर वो अपने जो सी ड्राइव में जो फोल्डर क्रिएट हुए ना, वो तो बैकअप लेना पड़ता है क्या? मतलब उसका भी बैकअप लेना जरूरी रहता है क्या? हाँ, तो उसके उसके लिए एक टॉपिक हमारा रहेगा, विंडोज सर्वर का बैकअप कैसे लेना है, कैसे उसको रिकवर करना है, दैट विल शो यू। ओके, आई विल शो यू, वो सारा लैब हमारा रहेगा, डोंट वरी। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ कहाँ पे लोकेशन है, एग्जैक्टली जो मैंने दिखाया था वहां लोकेशन ना, अभी मैं यहाँ लाइव दिखाने जा रहा हूँ आपको लोकेशन इसके। अभी क्लासेस थोड़े बड़े बड़े होने हैं हमारे, तो सब लोग पेशेंस के साथ रहेंगे। ठीक है, जो डिसकनेक्ट, बहुत सारे लोग लाइव नहीं अटेंड करते हैं, मुझे लगता है 20% भी नहीं लाइव अटेंड कर रहे हैं लोग। 52 लोग हैं इसमें, डीएससी बैच वन में, फिर एडीसीएचएन के हैं, कई सारे लोग हैं। अगर पूरा देखा जाए तो इसमें लाइव में ऑलमोस्ट मोर देन 50 मेंबर्स होने हैं, लेकिन लाइव इसका दैट मीन्स वो लोग बाद में देखते हैं। अब बाद में देखते जरूर है बहुत सारे लोग, क्योंकि उसके हमें क्लू मिलते हैं आप लोगों के, तो जो भी बाद में देखता है, इसीलिए मैं प्रॉपर लैब दिखा रहा हूँ कि आपको कोई डाउट ना हो रहे। और ये बताओ, मैंने फोल्डर बना रखा डीएससी वन का, चाहे एडीसीएचएन में आप लोगों के, तो ये उसमें क्या है, उसमें फायदा हो रहा कि नहीं? जैसे लाइव सेशन में अलग अलग क्लासेस चलेंगी लिनक्स का अलग अलग, ये सभी, तो उसमें क्या हो जाता, कंफ्यूजन हो जाता। अभी तो कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे आप लोग, इसीलिए मैंने आपके कंटेंट में फोल्डर बना के सभी अपलोड कर रहे हैं हम लोग डे बाय डे। देखो, जब ये डोमेन कंट्रोलर हो रहा होता थोड़ा सा टाइम लगता है, फर्स्ट टाइम ये टाइम लगेगा, दूसरे सर्विसेज के लिए इतना टाइम नहीं लगेगा। हाँ, हो गया, देखो, और नाउ यू कैन सी डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर, राइट? देखो, हमारा सर्वर आ गया है यहाँ, और सारे चेंजेस मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ। सबसे पहले चेंजेस मैं दिखा रहा हूँ, जस्ट गो टू द कंप्यूटर मैनेजमेंट एंड नाउ यू कैन सी देयर इज नो लोकल यूजर एंड ग्रुप। आप देख लो यहाँ पे, अगर आपको याद हो लोकल यूजर एंड ग्रुप मैंने दिखाया पहले, वो यहाँ से डिसेबल हो गया। और दूसरा, नाउ लेट्स ओपन माई कंप्यूटर एंड सी ड्राइव विंडोज, इन विंडोज नाउ यू कैन सी एनटीडीएस फोल्डर, एनटीडीएस फोल्डर, आप देख लो ये आ गया एनटीडीएस, इसका लोकेशन देख लो, सी ड्राइव विंडोज एनटीडीएस, और ये सभी इसके डेटाबेस हैं, ये एनक्रिप्टेड है, यू कैन नॉट सी हियर, आप यहाँ इसे ओपन करके कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, नुकसान जरूर कर सकते यहाँ से, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते, रीड नहीं कर सकते इसको। ठीक है, और जब हम बैकअप इसको ले लेंगे सर्वर का, ये रिकवरी में हमें ये पाथ देना रहता है जहां भी बैकअप करके स्टोर करेंगे हम इसका। बट ये एनटीडीएस फोल्डर, अब जितने यूजर हम क्रिएट कर रहे होंगे, जितने ग्रुप क्रिएट कर रहे होंगे, जितने कंप्यूटर हम ज्वाइन करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इसके अंदर रहेगी। दूसरा फोल्डर आप देखो, सिस वॉल फोल्डर, सिस्टम वॉल्यूम, ये रहा इस पॉइंट, राइट? तो एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस मैंने दिखा दिया आपको। इसके बाद एक चीज और हो जाता है यहाँ पे, नहीं छोड़ दो, इसके लोकल यूजर यहाँ पे देखो, डोमेन आ जाएगा लोकल यूजर, इसके प्रॉपर्टी में देखो डोमेन, ये होता फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम FQDN। और ये अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, नाउ व्हाट टू डू इन केस आवर लैब। अब मैं एक बार अपने लैब को दिखाता हूँ आपको, चलो ये रहा।
अब तक हमने ये इंस्टॉल किया, यहाँ पे मैंने shaninfo.com दिया, राइट, ये डोमेन हमारा है, ये हमने सिनेरियो कर लिया। अब हमें करना क्या है, चार यूजर बनाने हमें, और ये दोनों कंप्यूटर को ज्वाइन करना है डोमेन के अंदर, ज्वाइन करना है इस डोमेन के अंदर, उसके बाद ये जो यूजर हैं इसको लॉगिन करना है इस कंप्यूटर्स के अंदर, ठीक है, ये सिनेरियो करने जा रहे हैं। तो नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू क्रिएट यूजर्स इन एक्टिव डायरेक्टरी, क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट यूजर्स इन एक्टिव डायरेक्टरी। अब यहां पे कुछ और चीजें मैं बता दूं आपको, एक्टिव डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब इसको मैं मिटाने जा रहा हूं, इसको सिनेरियो अपने माइंड में आप डेवलप कर लो, चाहे रहने दो, मैं नहीं मिटा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, यहीं पे लिख देता हूं, ADDS ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, इसके ऑब्जेक्ट होते हैं यूजर्स, ग्रुप्स, OU, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, ये सभी होते हैं ऑब्जेक्ट। तो यूजर्स कैसे हम क्रिएट करते हैं, OU क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्या होता है, कंप्यूटर्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये सभी एक्चुअली जो होते हैं ना, जब हम एक्टिव डायरेक्टरी ओपन करते हैं तो हमें मिलता है इसके कंटेनर, एक्टिव डायरेक्टरी के कंटेनर होते हैं। देखो यहाँ पे जब आप एक्टिव डायरेक्टरी को ओपन करोगे, एक्टिव डायरेक्टरी ओपन करने के लिए क्या है, आप टूल्स में जाओ, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स करो, या तो आप रन में जाना है और यहाँ टाइप करना dsa.msc, ओके, और यहां पे आ जाएगा एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स कंप्यूटर। ये देखो यहाँ पे आ गया एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन, और इसके अंदर जो है इसे कंटेनर बोलते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग फोल्डर दिख रहे हैं। मैं चाहता हूं ऐसे ही एक फोल्डर हमारा बन जाए, है ना। यहाँ पे देखो ये डोमेन कंट्रोलर है, जितने तरह के डोमेन कंट्रोलर रहेंगे सारे डोमेन कंट्रोलर की लिस्ट यहाँ पे रहेगा। अभी एक ही डोमेन कंट्रोलर हमारा रूट डीसी है, एक और बनाओगे एडीसी, आरओडीसी, सीडीसी, सभी यहाँ पे आएंगे। जितने कंप्यूटर आप इस सर्वर से ज्वाइन करोगे वो सारे कंप्यूटर की लिस्ट यहाँ पे आएगा। अभी हमारे केस में दो दो कंप्यूटर हम ज्वाइन करने जा रहे हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो मैं इसी को हम ज्वाइन कर लेते हैं, कंप्यूटर को ज्वाइन करके आपको लिस्ट दिखा देते हैं। तो कंप्यूटर ज्वाइन क्वेश्चन यहाँ पे, हाउ टू ज्वाइन कंप्यूटर। चलो पीसी वन है और पीसी टू है, ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले चेक करो कि कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्लाइंट से सर्वर की। सीएमडी में जाना है और पिंग सर्वर की आईपी है 10.0.0.1। हाँ यस, कम्युनिकेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए माई कंप्यूटर के प्रॉपर्टी पे जाना है, क्लाइंट मशीन के माई कंप्यूटर प्रॉपर्टी में जाना है और यहाँ पे चेंज सेटिंग, क्लिक ऑन चेंज, और यहाँ पे देखो पीसी वन इसका नाम है और डोमेन नेम यहाँ पे देना है आपको, व्हाट इज आवर डोमेन नेम, shaninfo.com। जैसे हम क्लिक करेंगे ओके, इट विल आस्क द ऑथेंटिकेशन, मतलब डोमेन कंट्रोलर का आपको उसका एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड मालूम है, मतलब ये ज्वाइन कौन कराएगा, एडमिनिस्ट्रेटर ही कराएगा। तो यहां पे हम दे देते हैं एडमिनिस्ट्रेटर एट द रेट shaninfo.com।
ऐसे देना रहेगा आपको, या ईशान इन्फो स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर, और एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड ओके कर देंगे। अगर सब कुछ करेक्ट है तो यहां पे वेलकम का मैसेज आपको आ जाएगा कि आप डोमेन का पार्ट हो गए हैं। अगर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, स्पेलिंग चेक करो, पर ईशान इन्फो आई थिंक इज राइट, तो फिर हमें क्या करना है यहां से, सही है? हाँ देखिए वेलकम सब कुछ राइट रहेगा तो वेलकम आ जाएगा कि आप जो डोमेन में ज्वाइन हो चुके हैं। देखो अब यहां आ जाएगा नीचे ishaninfo.com, नाउ इट्स बिकम डोमेन, ये रीस्टार्ट हो जाएगा, एक कंप्यूटर ज्वाइन हो गया हमारा डोमेन में। अभी जब सर्वर में जाके देखेंगे तो एक कंप्यूटर का लिस्ट यहाँ आ गया होगा, देखो रिफ्रेश करेंगे एक कंप्यूटर का लिस्ट आ गया PC1। Again, now I am going to join PC number 2. चलो इस कंप्यूटर को ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग। इसका भी चेक करते हैं कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। अब कम्युनिकेशन हो रहा तो क्या करना है, सेम आपको करना है क्या है, क्लिक करना है माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टी पे, चेंज सेटिंग में जाओ, चेंज में जाओ और यहां से क्या करना है डोमेन का नाम, ऑथेंटिकेशन यहाँ पे आपको ये भी ज्वाइन हो गया। अभी वहां पे दो कंप्यूटर लिस्ट आपको दिखेगा, लेट्स कम टू सर्वर एंड चेक हियर रिफ्रेश, जैसे हम करेंगे यहां दो कंप्यूटर आ जाएंगे। इंटरेस्टिंग है ना, तो लाइक दैट अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 100 कंप्यूटर्स हैं तो वो सभी 100 कंप्यूटर्स का लिस्ट यहां पे रहेगा। तो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, इफ यू आर वर्किंग एज अ सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, सो आपको यहीं से मालूम हो जाएगा कितने कंप्यूटर इस डोमेन कंट्रोलर से कनेक्ट हैं। आप किसी को चाहो तो यहीं से रिमूव कर दो, किसी का पासवर्ड रीसेट करना रिस्क कर लो, बहुत सारी चीजें यहां से कर सकते हैं हम लोग बैठे बैठे, ठीक है। और इसके बाद जो है नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू क्रिएट यूजर, तो ये जो है ना ये हमारा कंप्यूटर का लिस्ट हो गया एंड ये सभी हमारे कंटेनर हैं, डोमेन कंट्रोलर है। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, सो राइट क्लिक ऑन डोमेन
एंड क्लिक ऑन न्यू एंड देयर इज द ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ओयू जिसे बोलते हैं। तो ओयू के अंदर हम क्या स्टोर करते हैं, यूजर्स एंड ग्रुप। बाय डिफॉल्ट आप देखोगे, आप चाहो तो यहाँ पे यूजर का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, आप चाहो तो इसके अंदर यूजर बनाओ। देखो ये सभी सिस्टम यूजर है, कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे होंगे हमारे डेटाबेस को। आप चाहो तो इसी के अंदर यूजर क्रिएट करो, अदरवाइज आप चाहो तो नया यूजर बना लो, अपना एक कंटेनर बनाओ उसके अंदर आप यूजर को रखो। तो बेटर ये होता है आप अलग से, अलग अलग डिपार्टमेंट हम बना के रखते हैं जिसको हम ओयू बोलते हैं, है ना, और उसपे अलग अलग हम परमिशन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से जस्ट राइट क्लिक करना है और न्यू पे जाना है एंड क्लिक ऑन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, और यहां से हम क्लिक करेंगे, एक हम बनाते हैं आईटी डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट। अब यहां देखना एक चेक मार्क्स दिख रहा है, इस चेक मार्क्स को अगर हम रिमूव कर देंगे तो ये बंद तो जाएगा, बट इजिली एनीबडी कैन डिलीट हियर, कोई इसको डिलीट कर देगा, आप भी डिलीट कर लोगे जब चाहोगे। राइट क्लिक करो और डिलीट डिलीट, यस इट्स गॉन न्यू। बट अगर आपने इस ओयू को प्रोटेक्शन के साथ बनाया, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट जाओ और यहां चेक मार्क को नहीं हटाया, आईटी डिपार्टमेंट चेक मार्क को नहीं हटाया, नाउ यू ट्राई टू डिलीट यू कैन नॉट। नॉर्मली हम डिलीट नहीं कर सकते बट डिलीट कर सकते हैं, उसका दूसरा तरीका है वो ट्रबल शूटिंग में हम बताएंगे। देखो यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे, नहीं डिलीट होगा, नहीं डिलीट होगा। तो जब वो यू बनाना है आपको ऐसे करना है, प्रोटेक्शन के साथ करना है, ध्यान देना है। अब ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है डिलीट ही नहीं होगा, डिलीट होगा लेकिन दूसरा तरीका उसका, नॉर्मली डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो लाइक दैट हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे अलग अलग वो यू। तो ये आई टी डिपार्टमेंट हमने क्रिएट किया, एक हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ सेल्स डिपार्टमेंट या अकाउंट डिपार्टमेंट। एक ओयू और क्रिएट कर लिया यहां पे, लेट से सेल्स डिपार्टमेंट। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट ऐसे। अब मान लो इसके आईटी डिपार्टमेंट के अंदर 25 यूजर्स हैं और सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर 25-30 यूजर्स हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट के पास 10 यूजर्स हैं, और आप चाहते हो सब पे अलग अलग परमिशन देना। हम चाहते हैं अकाउंट डिपार्टमेंट के पास ऐसी कोई अथॉरिटी ना हो कि वो हार्डवेयर रिसोर्सेस को यूज करें, लाइक पेन ड्राइव ऐसा कुछ ना यूज कर पाए, तो वो रिस्ट्रिक्शन हम लगा सकते हैं। अगर अगर हमें आईटी डिपार्टमेंट के ऊपर जितने यूजर हैं उनको मैं चाहता हूँ एक मैसेज मिले, उनके जो भी वर्ल्ड स्क्रीन है, डेस्कटॉप स्क्रीन है, उस पर एक मैसेज मैं छोड़ दूं, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ से ग्रुप पॉलिसी के द्वारा मैसेज डाल सकता है, उनके सभी लोगों के स्क्रीन पे आ जाएगा वो मैसेज, ठीक है। चलो डियर आपका एक मीटिंग शेड्यूल किया गया है 2 बजे 3 बजे ऐसा कुछ, ऐसा हम लोग डाल सकते हैं। तो ये परमिशन, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हम चाहते हैं कि सेल्स डिपार्टमेंट के जितने यूजर्स हैं उनके सभी कंप्यूटर के ऊपर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो उसको हम यहाँ से कर सकते हैं। ये सारे टास्क हम कर सकते हैं ग्रुप पॉलिसी के द्वारा ऐसे। तो ओयू का फायदा ये है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का, कि एक साथ में ये सभी यूजर इंपैक्ट होते हैं, है ना, जितने जितने यूजर उस पर्टिकुलर ग्रुप इसमें रहेंगे। आप सपोज करो 10 यूजर अभी आईटी डिपार्टमेंट के अंदर, जो परमिशन हमने दिया, अगर हम अकाउंट से कोई यूजर मूव करेंगे, जैसे उसके अंदर में जाएगा वो परमिशन से इंपैक्ट हो जाएगा, जैसे इस ग्रुप में से आप बाहर निकालोगे उस यूजर को, वो परमिशन से बाहर हो जाएगा, ये भी है, ठीक है। जैसे एक है ना कहानी, एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री में आग लगी है, आप उस बाउंड्री के अंदर कूदोगे तो आग में जलोगे, उस बाउंड्री से जितने लोग हैं उसको बाहर निकालोगे तो आग से बाहर हो जाएंगे, सेम लाइक वही चीज है, ठीक है। तो एक तरह से परमिटेड ये बाउंड्री है, ठीक है। तो नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट कपल ऑफ यूजर, सो राइट क्लिक हियर हाउ टू क्रिएट यूजर, राइट क्लिक न्यू एंड यूजर,
यूजर का नाम मैं यूजर ही दे रहा हूं, यूजर वन। यहां से ऑप्शन को हमेशा हटा दो, नहीं तो ये नॉर्मली नहीं हटाना रहेगा। ये जब यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड नेक्स्ट लॉग इन, जैसे वो यूजर लॉग इन करेगा वहां पे कहेगा अपना पासवर्ड असाइन कर लो आप, तो नॉर्मली तो ये रहेगा। मैं फिलहाल ये ऑप्शन दे रहा हूँ, यूजर नेवर एक्सपायर, एक्सपायर नहीं होगा और चेंज नहीं कर पाएगा पासवर्ड अपना। जब उसको चेंज करना रहेगा एडमिनिस्ट्रेटर कॉल करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर ही चेंज कर पाएगा। लेकिन अगर इस ऑप्शन को हमने कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, यूजर चेंज कर लेगा पासवर्ड को। सॉरी यस, सो नाउ आई हैव क्रिएटेड फोर यूजर एंड ये सभी यूजर आईटी डिपार्टमेंट के अंदर। मैं चाहता हूँ थर्ड नंबर यूजर को मैं अकाउंट डिपार्टमेंट में मूव कर दूँ, तो कैसे मूव करना है, जस्ट राइट क्लिक करो यहाँ पे और मूव पे क्लिक करो और यहाँ से चला जाएगा अकाउंट डिपार्टमेंट। देखो कहाँ पे है भैया, ये रहा अकाउंट डिपार्टमेंट में चले गए। यूजर नंबर फोर को हम सेल्स डिपार्टमेंट में भेज देते हैं, मूव करो और नाउ इट इज ऑन सेल्स डिपार्टमेंट। आप जाके देख लो यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट में ये दो यूजर है, सेल्स अकाउंट डिपार्टमेंट में एक यूजर है और सेल्स डिपार्टमेंट में एक यूजर है, लाइक दैट राइट। तो अब मैं चाहता हूँ सेल्स डिपार्टमेंट के यूजर को मैं, आज कौन सा दिन है, आज है थर्सडे, सो आई वांट टू ब्लॉक हिम ऑन थर्सडे। थर्सडे को ये लॉग इन नहीं कर पाएंगे किसी भी पीसी में, तो जस्ट राइट क्लिक एंड गो टू द प्रॉपर्टी अकाउंट एंड यहाँ से लॉग ऑन आवर को हम क्या करेंगे, इनका अकाउंट लॉग ऑन आवर और टुडे इज थर्सडे, तो इनको हम क्या करेंगे, डिनाई कर देंगे। ओके अप्लाई। सो जस्ट रिमेम्बर यूजर फोर इज विल नॉट एबल टू लॉग इन एनी कंप्यूटर ऑन थर्सडे, क्योंकि थर्सडे को मैंने उसको रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। चलो ठीक है, अब देखते हैं सारे यूजर बन चुके हैं, हम अपने क्लाइंट पीसी पे जाएंगे और लॉगिन करके देखेंगे। सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं, अदर यूजर में जाओ और यहाँ पे लॉगिन करते हैं। देखो ईशान इन्फो आ रहा है, लॉगिन करते हैं सबसे पहले यूजर वन को। देखो लॉगिन हो गया है, लॉगिन हो गया राइट। सेम लाइक हम यूज अपने क्लाइंट पीसी टू पे चलते हैं। रुक जाइए आप लोग, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, भी क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना। अभी यहाँ पे मैं यूजर टू को लॉगिन करता हूं।
क्लाइंट टू पे यूजर टू को लॉगिन करता हूं, ये भी आराम से लॉगिन हो जाएगा। नहीं क्या हुआ, यूजर टू, ये भी लॉगिन हो गया। देखिए दोनों यूजर लॉगिन हो गया। अब हम ट्राई करेंगे यूजर फोर को लॉगिन करने के लिए। यूजर फोर में हमने परमिशन दे रखा है कि वो थर्सडे को लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले तो चेक करो कि हमारे कंप्यूटर में डेट टाइम परफेक्ट है कि नहीं, तभी वो काम करेगा, है ना। तो चलिए ये हो रहा है, हम पीसी वन में लॉगिन कर देंगे। पीसी वन में लॉगिन करते हैं, चेक कर लेते हैं डेट टाइम को। तो ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, देख लेते हैं। तो आज थर्सडे है, करेक्ट है, राइट है, है ना, राइट है। तो फिर हम लॉगिन करके ट्राई करते हैं इसको। देखो स्विच यूजर में जाएंगे, एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू लॉग इन यूजर फोर। पढ़िए मैसेज को क्या दे रहा है। योर अकाउंट हैज टाइम रेस्ट्रिक्शन दैट प्रिवेंट यू फ्रॉम साइनिंग इन एट दिस टाइम, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, राइट। हाँ अब आपके कॉल ले सकते हैं, कॉल करो। हमने एक्टिव डायरेक्टरी क्रिएट किया इस लैब में। अभी तक क्या किया हमने, एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल किया, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर यूजर क्रिएट किया, हमने दो कंप्यूटर को ज्वाइन किया डोमेन में, और यूजर को लॉगिन किया अपने मशीन्स में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हाउ टू ज्वाइन कंप्यूटर टू डोमेन, है तो समझ में आ गया। अब ये कंप्यूटर ज्वाइन है, मैं चाहता हूँ इस डोमेन से बाहर हो जाए हमारा कंप्यूटर, क्योंकि अगर पीसी वन की बात करें, अगर ये लॉगिन हमारा यूजर वन, एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू इंस्टॉल एनीथिंग इन दिस कंप्यूटर, आई विल नॉट एबल टू इंस्टॉल हियर बिकॉज यूजर प्रिविलेज। हमें क्या करना रहेगा, इसके लोकल एडमिन में लॉग इन करना पड़ेगा। तो उस केस में हम क्या करना है, देखो यहां पे हम कुछ इंस्टॉल या अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। हम जैसे जाएंगे कंट्रोल पैनल में कुछ भी हम करने जाएंगे, लाइक आई वॉन्ट टू क्रिएट अ यूजर, यूजर अकाउंट, यूजर अकाउंट, यूजर, यूजर। जैसे हम क्रिएट करने जाएंगे, देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे यूजर वन ईशान इन्फो डॉट कॉम, मैं अपना यूजर अकाउंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ। ये पूछेगा पासवर्ड, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड या लोकल एडमिन का पासवर्ड, आपके पास परमिशन नहीं है इसका, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें पहले तो इसको डिस ज्वाइन करना है, इसको लोकली लॉगिन, हाउ टू लोकली लॉगिन एनी कंप्यूटर्स, राइट। जो भी डोमेन क्लाइंट है, डोमेन क्लाइंट मतलब जो भी कंप्यूटर डोमेन में ज्वाइन है, उसको कैसे हमें लोकली लॉगिन करना, उसके लिए क्या करना है, कंट्रोल ऑल डिलीट में जाना है, स्विच यूजर में जाना है, और यहाँ पे अदर यूजर में जाकर, और यहाँ पे क्या करना है, टाइप डॉट स्लैश। जैसे टाइप करोगे ये लोकली आपको दिख जाएगा लोकल यूजर का। तो मेरा यूजर है क्या, पीसी वन, यूजर भी पीसी वन ही है, पासवर्ड हमने नहीं दिया, जस्ट क्लिक ऑन एंटर, देखिए लॉगिन हो जाएगा। एंड अब इस कंप्यूटर में आप कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। नाउ इज दिस कंप्यूटर लोकली लॉगिन, राइट। अब यहां पे कंट्रोल पैनल में जाओ, कुछ भी करने की कोशिश करोगे आपको अलाउ करेगा। यहाँ मैनेज में जाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। और हम चाहें तो इसको डोमेन से डिसज्वाइन भी हो सकते हैं। तो डोमेन से डिसज्वाइन कैसे होंगे, इसके माय कंप्यूटर पे जाना है, प्रॉपर्टी में जाना है, चेंज सेटिंग चेंज, और यहां पे कर देना है वर्क ग्रुप।
चेंज करेंगे आपसे मांगेगा ऑथेंटिकेशन सर्वर का। ये कंप्यूटर डिसज्वाइन हो गया। ऐसे सेम लाइक हमें पीसी टू को करना है, तो क्या करना है, हमें स्विच यूजर में जाना है। डिसज्वाइन करने के लिए हमें लोकली पहले लॉगिन करना है इनको। हाउ टू डिसज्वाइन कंप्यूटर, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है हाउ टू, ये क्वेश्चन नहीं है हाउ टू लॉग इन लोकली, यहाँ पे क्वेश्चन हाउ टू डिसज्वाइन आवर कंप्यूटर। तो उसके लिए क्या करना है, हमें कंट्रोल ऑल डिलीट करना है और यहाँ पे अदर यूजर पे जाना है, क्लिक ऑन अदर यूजर एंड टाइप करना है डॉट बैकवर्ड स्लैश एंड पीसी टू और यहां पे माय कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज पे जाना है। चेंज सेटिंग चेंज एंड नाउ यू कैन क्लिक वर्क ग्रुप। कैन सी नाउ ज्वाइन, दोनों कंप्यूटर हमारे डिसज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक्टिव डायरेक्टरी को मैनेज करना है। आज का क्लास में हम लोग क्या जाने, एक्टिव डायरेक्टरी कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे यूजर क्रिएट करने हैं, कैसे क्लाइंट पीसी को ज्वाइन करना डोमेन में, कैसे हमें ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्रिएट करना है, कैसे यूजर को मूव करना है एक ओयू से दूसरे यूजर में, दूसरे ओयू में, एंड कैसे एक एक्टिव डायरेक्टरी यूजर को क्लाइंट पीसी में लॉगिन करना है, और देन कैसे कंप्यूटर जो हमारा डोमेन क्लाइंट पीसी है उसको कैसे डिसज्वाइन करना है डोमेन से, राइट, कैसे हमारे डोमेन क्लाइंट पीसी को लोकली कैसे लॉगिन करना है, ये सारे टास्क हमने आज किया इस लैब में। और इसको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको फिर से देखना, और कोई डाउट रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बेस अगर आपका स्ट्रांग नहीं रहेगा तो फिर हमेशा आपको प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो बस आज के क्लास में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।